शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के निर्देश पर शुक्रवार शाम को जोन 3 के तहत मोमिनपुरा परिसर में नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तहसील थाना अंतर्गत डीसीपी लोहित मतानी के नेतृत्व में शाम 7 से रात बजे तक परिसर में छापा मारकर कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। इस दौरान पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत गांजे का सेवन करने के 3 मामले दर्ज किए। वहीं हुक्का के लिए उपयोग की जाने वाली सुगंधित तंबाकू बेचते हुए एक दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया। यहां से पुलिस ने बड़ी मात्रा में सुगंधित तंबाकू जब्त की गई। इसके अलावा कुछ पुराने अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। माननीय पुलिस आयुक्त अमित कुमार सर ने कल शहर के सभी सीनियर PI को स्पष्ट आदेश दिए कि उनके एरिया में कल शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक पूरी कार्रवाई करो, जिसमें NDPS गांजा दारू जुगाड़ और जो भी क्रिमिनल चेकिंग है उनको सब चेक करो। इस आदेश के मुताबिक माननीय ललित मतानी सर पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 3 इनके प्रेजेंस में हमने कल 3 पतक बनाए। एक पतक मोमिनपुरा एरिया में भेजे, एक पतक बकरी मंडी में भेजे और एक पतक हंसापुरी में भेजे। इन 3 पतक द्वारा कल इस कार्रवाई के दौरान NDPS के 3 गुन्हे दर्ज कर दिए और 3 आरोपी को अटक किए। और इसी दरमियान हमको 2 पुराने क्रिमिनल मिले, उसमें एक मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद हाफिज अंसारी उम्र 28 साल कमाल बाबा दरगाह के पास मोमिनपुरा, उनके पास तलवार मिली, उनके ऊपर आर्म एक्ट का गुन्हा दाखिल किया। इसी कार्रवाई दरमियान मोहम्मद शहबाज उर्फ सानू वल्द मोहम्मद इसराइल अंसारी उम्र 25 साल रानार कमाल बाबा दरगाह के पास मोहिमपुरा, ये भी गुप्ते के साथ मिला, इसके ऊपर आर्म रख के कार्रवाई किए। और इस कार्रवाई के दरमियान एक 2600 रुपये की इंग्लिश दारू मिली, दारूबंदी के अंदर उनके पर कार्रवाई की। जुगाड़ अंतर्गत हमने 2 लोगों को पकड़े जिसमें करीब 95,000 का माल जब्त किया। इसी कार्रवाई दरमियान कोप्टा एक्ट 2003 के मुताबिक अपराध नंबर 221/2021 कलम 421 कोप्टा एक्ट के अंतर्गत 2 आरोपी जिसमें आदिल शेख वल्द मुश्ताक शेख रहनार गुलाब बाबा उर्दू शाड़े के पास हंसापुरी और दूसरा आरोपी मोहम्मद अतीबुद्दीन वल्द मोहम्मद अमीदुद्दीन वह 25 साल रहनार गुलाब बाबा उर्दू शाड़े जो हंसापुरी, इन्होंने अपने सोमकिन नाम के दुकान में जो प्रतिबंधित तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थ थे वो मिले, उनके ऊपर कोटपाइन कार्रवाई की और उनको अरेस्ट किए। और इसी कार्रवाई दरमियान प्रतिबंधक स्वरूप में जो बड़े गुन्हेगार हैं उनके ऊपर अच्छे 6 गुन्हेगार पे 110 ईग CRPC के अंतर्गत कार्रवाई की और जो किरकोड़ गुन्हेगार हैं उनके ऊपर 151 CRPC के अंतर्गत 5 कार्रवाई की। ऐसे लगभग पूरे मुहिम में 22 लोगों पे तहसील पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें करीब 95,000 का जुगाड़ एक्ट में कार्रवाई हुई है, कोटपा एक्ट में करीब 34,000 का मुद्देमाल मिला है और 2600 रुपये की विदेशी दारू जब्त की गई। ये पूरे कार्रवाई के दरमियान जो हमने आर्म एक्ट के कार्रवाई की उनके ऊपर पहले के दरोड़ा के और रुकापत के गुन्हे दाखिल है। जो कोटपा एक्ट में कार्रवाई की वो पहली बार है, मगर जो जुगाड़ और दारू में जो मिले वो भी पुराना रिकॉर्ड है और अभी सभी का रिकॉर्ड की छानबीन चालू है। बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 तलवारें जब्त की। वहीं माहौल भड़काने के आरोप में 31 लोगों को पकड़ा गया। किसी वारदात की तैयारी में घूमते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 12 लोगों का जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 95,000 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर के नेतृत्व में की गई। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।